हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल मनीष क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक भौतिक विज्ञान से है, भौतिक विज्ञान क्या है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9th से लेकर 12th तक विज्ञान के सारे लेक्चर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे एकदम फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल सारे लेक्चर जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों पूरी साइंस के आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। विज्ञान जिसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं, विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया नाम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जानना। वैसे अपन देखते हैं संधि विच्छेद के आधार पर तो विज्ञान का अर्थ होता है बी प्लस ज्ञान, यानी एक विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान को जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि एक इनका भाग देखिएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, भूगोल विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इत्यादि। तो इनके ये क्या है? भाग होते हैं। तो आज हम इसके पहले भाग या कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान देखते हैं तो ग्रीक शब्द किससे लिया गया है? फिजिक्स से लिया गया है। और इसकी खोज यानी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की खोज किसने की थी? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने की थी। जैसे कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं और उन्हें देखने पर हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है, तो उन प्रश्नों का जवाब भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के द्वारा दिया जाता है। जैसे कोई वायुयान हवा में उड़ता है तो कैसे उड़ता है, कोई गाड़ी रोड पर यानी कि सड़क पर चलती है कैसे चलती है, तो इन सब का जवाब कौन देता है? फिजिक्स देता है। तो देखिएगा जैसे कि दो जो वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक ऐसे कह सकते हैं अपन, भौतिक विदु में देखिएगा तो इनके एक पहले वैज्ञानिक थे आइजैक न्यूटन, जिन्होंने अपना एक समीकरण दिया एफ बराबर एम इंटू ए। तो इन्होंने बताया कि एफ बराबर यानी कि बल, तो यानी कि बल कैसे कार्य करता है। ऐसे ही दूसरे वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इन्होंने अपना एक ऊर्जा द्रव्यमान संबंधी नियम दिया यानी ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये सभी समीकरण जैसे कि पहला आइजैक न्यूटन का और दूसरा अल्बर्ट आइंस्टीन का, तो ऐसे ही और सारे समीकरण हमारी आसपास की वस्तुओं को समझने में और उनको सुधारने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये सब क्या है? भौतिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने नियम दिए हैं। तो देखिएगा भौतिक विज्ञान के बारे में, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, जबकि इसको प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं। प्राचीन समय में इसको क्या कहते थे? प्राचीन काल में इसको कहते थे प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान का अर्थ क्या है? तो प्राकृतिक विज्ञान से क्यों कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। तो प्राचीन समय में यानी पुराने टाइम पर यानी इसे प्राकृतिक विज्ञान इसलिए कहते थे, लेकिन आधुनिक समय में इसे विज्ञान आधुनिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा एक देखिएगा तो कह सकते हैं कि ये इसकी आधुनिक परिभाषा के रूप में है। तो देखिएगा ये यहाँ पर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा द्रव्यमान एवं उनकी क्रियान्वयन क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। भौतिक विज्ञान का क्षेत्रफल बहुत ही व्यापक है यानी कह सकते हैं कि बड़ा है। जैसे देख सकते हैं अपन इसके बहुत सारे खंड भी हैं। तो नंबर एक पर क्या आता है? प्रकाश यानी कि लाइट। और दूसरे नंबर पर देखिएगा तो क्या आता है? विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा आता है यांत्रिकी यानी मैकेनिकल। चौथा अपना आता है ऊष्मा जिसे अपन कहते हैं हीट। पांचवा है अपना चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज। और पांचवा और यानी छठवा अपना आता है आधुनिक विज्ञान, आधुनिक भौतिक विज्ञान जिसको अपन कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो ये इसके खंड हैं जो कि फिजिक्स में अपन को पढ़ने को मिलेंगे। एक बार आपको फिर से अच्छे से दिखा देते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। तो देखिएगा भौतिक विज्ञान इंग्लिश शब्द फिजिक्स जबकि ग्रीक शब्द फिजिक्स से लिया गया है। इसके जनक या कह सकते हैं इसकी खोज अरस्तु ने की थी। भौतिक विज्ञान को प्राचीन काल में प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी, जो प्राचीन काल के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति
और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे प्राकृतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स कहते हैं। जबकि आधुनिक परिभाषा में एक नया परिवर्तन हुआ, क्या हुआ तो देखिए उन्होंने बताया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा द्रव्यमान उनकी अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स कहते हैं। तो ये इसकी आधुनिक परिभाषा के रूप में है और ये इसकी प्राचीन परिभाषा के रूप में है। अब इसमें देखिएगा तो ये कहते हैं यहां पर कि जो भौतिक विज्ञान है उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है यानी कि बड़ा है, इसकी खंड बहुत सारी हैं। तो देखिए खंड कौन कौन से हैं, पहला आता है अपना प्रकाश यानी कि लाइट, दूसरा आता है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा आता है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल, चौथा आता है अपना ऊष्मा यानी हीट, चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म और छठवां आता है आधुनिक भौतिक विज्ञान यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। आज का अध्याय यहीं तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, मेरे या आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।